अंडर स्क्रूटिनी की जो लिस्ट है वो अब आ चुकी है म्हाड़ा के वेबसाइट पर 19 जुलाई को। उनमें से 3,716 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रीवेंस से कैसे रेज करें, अपनी रिजेक्टेड एप्लीकेशन को कैसे अप्रूव करें, और साथ ही साथ काफी चेंजेस म्हाड़ा ने अपनी इस बार स्कीम में की है वो क्या है, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स एक्सप्लोर रोहन में। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो अपसेट बिल्कुल ना होए और एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट में अपना नाम ढूंढते हुए अपना समय खराब ना करें। सिंपल तरीका बताता हूं आपको, आपको जस्ट म्हाड़ा के वेबसाइट पर जाना है, तीन लाइन वाली ये टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे माय एप्लीकेशंस दिखेगी, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। एप्लीकेशन नेम, नंबर, स्कीम नेम, कैटेगरी कोड, एप्लीकेशन स्टेटस, ईएमडी पेमेंट स्टेटस। एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो आपको रिजेक्टेड दिखाएगा, एक्सेप्ट हुआ है तो एक्सेप्टेड दिखाएगा। अब आप बात करते हैं हम आपकी, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो आपको सिंपल यहाँ पे रिजेक्ट दिखाएगा। रिजेक्ट किस वजह से हुई है उसकी भी यहाँ पे डिटेल दी जाएगी। अभी मैं बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो मेरी है ये रिजेक्ट हुई है। रीजन, इसमें कंबाइन इनकम ITR प्लस सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट एंड स्पाउस नॉट एज पर इनकम ग्रुप। फ्रेंड्स, ज्यादातर अभी EWS के लिए 412 कोड के पहाड़ी गोरेगांव प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जो रिजेक्ट हुए हैं वो इसी वजह से हुए, ITR की वजह से। अगर आपने अपना सेपरेट ITR दिखाया है और अपने वाइफ का छुपाया है, और अगर आपने अब ये फॉर्म फिलअप करते वक्त अपने पार्टनर का पैन कार्ड अपलोड किया है तो सिंपली ये उनके सिस्टम में आ जाता है। इसी तरह से सेपरेट इनकम एक साथ वहाँ पे दिखता है, जिसकी वजह से अगर आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है और आपको ये सूटेबल इनकम के अंडर में आप नहीं आते, मतलब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट होने वाला है। ऐसे ही काफ़ी चेंजेस इस बार म्हाड़ा ने लाए हैं, जैसे कि अगर आपका किसी भी तरह फॉर्म अप्रूव होता है, ज़्यादातर मैं अंडर स्क्रूटिनी वाले एप्लीकेंट्स की बात कर रहा हूँ और उन एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स की भी बात कर रहा हूँ जिनका लकी ड्रॉ लगा है। इस बार म्हाड़ा सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन कैंडिडेट्स के अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल करके ही अलॉट करेंगे। अगर थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम दिखता है कैंडिडेट के प्रोफाइल में तो वो ड्रॉ भी रिजेक्ट होने वाला है। कुछ कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में रहने वाले हैं, और जैसे कि जो रिजेक्ट होने वाले ड्रॉ है, ड्रॉ लगने के बाद भी कुछ कैंडिडेट्स के अगर ड्रॉ रिजेक्ट होते हैं तो वो ड्रॉ वो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। अब बता दूं आपको अब आगे करना क्या है। आपको मेन्यू में जाके माई इश्यूज में जाना है। माई इश्यू में जाके आपको रेज ग्रीवेंस करना है। दे सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट बोर्ड पे आपको मुंबई बोर्ड करना है। फाइंड लॉटरी में म्हाड़ा टेनेंटमेंट, म्हाड़ा टेनेंट में अंडर DCPR 33, स्कैटर टेनेंटमेंट टेनमेंट्स अंडर DCPR 33, अंडर कंस्ट्रक्शन PMAY टेनमेंट्स अंडर DCPR 33(5) अगेन। जिस स्कीम पर आपने अप्लाई किया है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप आते हैं हम सिलेक्ट ग्रीवेंस टाइप पर। सिलेक्ट ग्रीवेंस में आपको रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, पेमेंट, ऑब्जेक्शन और सजेशन। आपको ऑब्जेक्शन और सजेशन पर क्लिक करना है। फिर आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन पे अपनी ID ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको फिर सब्जेक्ट पे ITR रिजेक्ट, आपका ITR रिजेक्ट की वजह से हुआ है तो आपका ITR रिजेक्ट लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल देनी है, यहाँ पे मैंने डिटेल दिया है, आई हैव ऑलरेडी गिवन द जेन्युइन ऑफ माय इनकम प्रूफ बट समहाउ इट वाज रिजेक्टेड बाय म्हाड़ा। व्हेन आई वाज अप्लाइंग इट वाज शोइंग दैट आई एम एलिजिबल फॉर PMAY एंड LIG ग्रुप, सो आई हैव फिल्ड द PMAY ड्रॉ, काइंडली अप्रूव द सेम। फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको OTP आएगा। OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। आपको OTP पुटअप करते ही योर ग्रीवेंस सक्सेसफुली रेज्ड ग्रीवेंस ID के साथ आ जाएगा, साथ में आपको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा। फिर आपको सिंपली माई इशू में जाना है। माई इशू में आपने जो ग्रीवेंस से रेज किया है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ग्रीवेंस ID के साथ क्रिएटेड डेट भी आ जाएगी, बोर्ड, ग्रीवेंस टाइप, सब्जेक्ट, और उसको आप खुद देख सकते हैं। एक से ज़्यादा टाइम आप अपनी ग्रीवेंस से रेज कर सकते हैं। आप अपनी ग्रीवेंस से रेज की हुई स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपकी रेज की हुई ग्रीवेंस का कम से कम 24 आवर्स का टाइम लगेगा म्हाड़ा की तरफ से आपको उसका रिप्लाई आने को। और साथ ही बता दूं, अगर आपको अपना ग्रीवेंस से रेज नहीं करना है, आप अपने एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं।
सिंपली आपको उसके लिए भी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट के बाद आपको आएगा वो मैरिटल स्टेटस आएगा, वो आपको पुटअप करना है। आप मैरिड है तो आपको स्पाउट आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद उनका पैन कार्ड पूछेगा, पैन कार्ड भी आप अपलोड करते हैं तो पैन कार्ड अपलोड होने के बाद आपको फिर आपको वर्किंग स्टेटस बताना है। वर्किंग स्टेटस में आपने अगर आपका सेल्फ किया है या बोथ किया है या स्पाउस किया है तो आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। मतलब आपने सेल्फ किया है तो आपको सेल्फ आईटीआर या इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। ऐसे ऐसे आप अपना फिर से एक बार अपलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा।